अस्सलाम वालेकुम। ठीक अस्सलाम वालेकुम। हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें, खुश रहें। आज हम फ़ोन करते हैं, देखो है तो मेरे पास वीवो का फ़ोन है, पर आप वीवो मत समझो, ठीक है? कोई भी फ़ोन समझो आप, अच्छे से बता दूंगा मैं आपको, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास जो फ़ोन है ना, वो देखना हमने MTK CPU है या कॉलकॉम CPU है, ठीक है? अगर MTK है तो MTK USB ड्राइवर हमने इंस्टॉल करने, अगर कॉलकॉम है तो कॉलकॉम, ठीक है? तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ये तो आपको गूगल सर्च करके भी आपको USB ड्राइवर मिल जाते हैं, मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो अनलॉक टूल में सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है? यहाँ पे जब आप जाओगे, यहाँ पे ये ड्राइवर भी मिल जाता है आपको, ठीक है? ये ड्राइवर भी मिल जाते हैं आपको, ये वाला ड्राइवर भी मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद अगर डिसेबल करना होगा, यहाँ से भी मिल जाता है आपको, सारा कुछ यहाँ से मिल जाता, ठीक है? तो उसके बाद जैसे हमारे पास कोई MTK का फ़ोन हो, ठीक है? देखो मैंने सबसे पहले चेक करना फ़ोन को, ये कौन सा है, ठीक है? इसका मुझे पता ही नहीं है, तो सबसे पहले मैं कैमरा ओपन कर लूँगा, ठीक है? कैमरा ओपन करके हमने एक पिक लेनी है, पिक ले ली ना मैंने, उसके बाद मैं पिक निकाल रहा हूँ। सारे फ़ोनों पे ये काम नहीं करेगा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये काम नहीं करेगा, याद रख लेना। तो ये यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं देख रहा हूँ ये कौन सा है, वीवो का कौन सा है, ये 1901 है, Y15 है, ठीक है? ये MTK है, ठीक है? याद रखिए आप, ये MTK फ़ोन है। तो हमने क्या करना दोस्तों, मीडिया टेक पे जाना है। तो यहाँ पे कोई मॉडल नंबर सिलेक्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है? तो सीधा यहाँ पे जाना है, इसमें EMMC लगी है। एक तो होता ना CPU के साथ में हमारी हार्ड डिस्क कौन सी रखती है, जिसको हम मेमोरी कार्ड बोलते हैं, EMMC। अगर इसमें UFS हो तो फिर इस पे क्लिक करना आप, ठीक है? तो इसमें EMMC है, तो विदाउट डाटा लॉस ये वाला मॉडल अभी इसमें नहीं होता है, ये याद रखें आप, ठीक है? तो विदाउट डाटा लॉस थोड़े मॉडलों में, Y12 है, थोड़े बहुत Y91 है, उनमें विदाउट डाटा लॉस होता है, पर इस वाले में नहीं होता, ये कर लेगा। चलो मैं यहाँ पे ट्राई मारता हूँ, सबसे पहले ट्राई मारता हूँ, ये होगा भी या नहीं। मैं Y12 ही कर लूँगा सिलेक्ट, ठीक है? तो Y12 मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो, मेटा पे जाएंगे हम, मेटा पे विदाउट डाटा लॉस सेव फॉर्मेट, ठीक है? इस पे मैंने क्लिक करके रखा है, ठीक है? तो क्लिक जब करके रखूँगा, उसके बाद मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, अच्छे से देख लेना आप, ठीक है? तो मेरे हिसाब से Y15 एंड्राइड 11 हुआ ही नहीं आज तक, तो ऐसे एक ही क्लिक से। फिर भी मैं ट्राई मारता हूँ। अगर आपके पास सैमसंग फ़ोन है तब आपने खाली वैल्यूम डाउन दबाया, ठीक है? अगर आपके पास सैमसंग के अलावा और कोई ब्रांड है तो दोनों वैल्यूम दबा लेना, ठीक है? तो सैमसंग में क्या होता है, अगर हम दोनों वैल्यूम दबा के रखेंगे USB, वो डाउनलोड मोड पे आ जाएगा, इसलिए उसको खाली वैल्यूम डाउन दबा के रखना है, ठीक है? मैं दोनों दबा के उसके बाद USB इन कर रहा हूँ। देखो कॉम पे पॉट आ गया, ठीक है? अब ये सीधा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये मेटा ओके हो गया, वेटिंग कर रहा फ़ोन को, अब ये मेटा पे आ गया, ठीक है? तो अब ये वेट कर रहा, देखो मेटा पे अच्छे से फ़ोन आ गया, इसने अच्छे से फ़ोन को कनेक्ट कर लिया, ठीक है? आपको मैं अच्छे से बता दूंगा, देखो इसने सेव फॉर्मेटिंग डाटा ओके कर लिया, यहाँ से तो ओके। मेरे हिसाब से ये डाटा, ये डिस्प्ले लॉक रिमूव नहीं करेगा मेरे हिसाब से। चलो फिर भी ट्राई मारते हैं। तो तब तक मैं आपको यहाँ पे, जब तक फ़ोन ऑन होता तब तक मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, जिन दोस्तों ने नया नया अनलॉक टूल लिया हुआ है तो वो यहाँ से टेस्ट पॉइंट सर्च कर लो। ये रेडमी का है, ठीक है? इतने मॉडल, हवाई, वीवो, ओप्पो, ठीक है? तो ये आ गए, इसके टेस्ट पॉइंट यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है? तो उसके बाद जब कोई MI का फ़ोन हो, आप उसको फास्ट बूट पे ले आओ, उसको यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे इन्फो कर लो, आपको इन्फो आ जाएगी कौन सी फ्लैश फाइल, कौन सा वर्जन आपको चाहिए होगा, ठीक है? वहाँ से डायरेक्टली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मीडिया टेक पे क्या है, मीडिया टेक में आप एक ही क्लिक से सैमसंग FRP भी कर सकते हो, किसी की भी कर सकते हो, कोई ब्रांड नहीं सिलेक्ट करना, कुछ नहीं करना, ठीक है? तो यहाँ पे MTK CPU ऑफ फ्लैशिंग भी कर सकते हो,
ठीक है, यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हो। उसके बाद ये देखो, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा MI में, ठीक है, तो कौन सा मॉडल था मेरे पास, Y15 था ना, Y15, Y15 कहाँ गया, आता ही नहीं Y15। अच्छा मैं MI में गया, वीवो में जाना था मैंने, सॉरी। देखो अब मैं क्या करूँगा, Y15 कर दूँगा, Y15 चाहे ये कर लो ये कर लो, एक ही बात है। देखो यहाँ पे तो ये कनेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि ये EDL है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने मेटा पे जाना होता ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे FRP आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगी। अगर आप रिसेट मारते हो फ़ोन को, FRP नहीं है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, हमने सीधा वहाँ पे जाना। देखो नहीं ना निकाला इसने, बिल्कुल भी नहीं निकाला, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बता दिया था, कोई कोई मॉडल होता है कोई नहीं होता। तो ठीक है, हमने EMMC करनी, ठीक है, इसका सिग्नल लॉक हटाने के लिए हम क्या करेंगे, EMMC पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देखें आप, फॉर्मेट रीसेट टू EMMC, इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे देखना, जब हमारे पास ड्राइवर होते हैं ना, तो कहाँ गया, यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर वहाँ से भी निकल जाता है। देखो आपको मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ, जब फ़ोन कनेक्ट होगा ना, तो हमारे पास ड्राइवर इंस्टॉल है, तब जाके ये कनेक्ट होगा, यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने क्लिक करके रखा है, दोनों वॉल्यूम दबा के रखे हैं मैंने, USB इन कर, देखो हो गया ना कनेक्ट, यहाँ पे भी पोर्ट में भी आ गया, मेटा पे चला गया। ये देखो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, मेटा ओके, ये ड्राइवर छोड़ देता, जब ये मेटा पे आ जाता उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर भी दिखा देता, ठीक है। आया था फिर चला गया, यहाँ पे भी आया था फिर चला गया, अब देखो आ गया ना, अब देखो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो यही होता है जब हमारे पास USB ड्राइवर, एक एक क्लिक से हमने इसका स्क्रीन लॉक ख़त्म कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है आपके पास वीवो ही फ़ोन, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम मीडिया टेक पे गए हैं ना, यहाँ पे जितने भी आपके पास CPU MTK वाले हैं ना, वो आप कर सकते। हाँ ये है कि MDM लॉक सैमसंग का भी कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। तो ये देखे, हमने खाली देखना होता है CPU, उसके बाद EMMC, ये दो हमने बेस रखनी होती है, हमने देखना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट भी करना होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अगर जैसे हमारे पास कोई फ़ोन होता है उसमें CPU लगा होता है MTK, और साथ में लगी होती है मेमोरी कौन सी, UFS, तो इस पे क्लिक करना होता है, ठीक है ना, इस पे नहीं होता वो, तो यहाँ पे कर लोगे। कोई कोई होता कोई नहीं होता, तो कोई ब्रांड आपको सिलेक्ट नहीं करना, कोई मॉडल नंबर सिलेक्ट नहीं करना, खाली ये पता होना चाहिए। ये आप कहाँ से पता कर लोगे, आपने गूगल सर्च करना, गूगल सर्च करके आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं आपको गूगल सर्च करके बता दूंगा, यहाँ पे Y15 वीवो CPU टाइप, क्या करना आपने, वीवो Y15 CPU टाइप, ये देखो सामने आ गया, कॉलकॉम है, ठीक है, ये है एंड्रॉयड जो भी है, ठीक है, ये सामने आ जाता है। ऐसे किया कर लो, जब भी कोई आपके पास ओप्पो A520 CPH CPU टाइप करना है, तो आपको खुद ही समझ आया करेगा, ठीक है, तो इसमें CPU कौन सी है, EMMC कौन सी है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ये देख लीजिए इसने फिर नहीं निकाला, ठीक है, EMMC पे नहीं निकाला इसने। अब हम क्या करते हैं, UFS पे क्लिक करते हैं, UFS पे क्लिक करते हैं, दोनों वॉल्यूम दबा के रखा, ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कि आप इतना टाइम लगा लोगे एक फ़ोन को, बिल्कुल भी नहीं, बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ हम कैसे काम करें, ठीक है ना। अगर कोई फ़ोन किसी टूल से नहीं हो रहा, उसको छोड़ना थोड़ी ना होता, बस लगा रहना होता है यार कैसे करूं, छोड़ना नहीं होता फोन को, ठीक है ना। यहाँ पे मेटा ओके हो गया,
एमटी के फ़ोन मेटा पे आ जाता है। देखो ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 है, यूज़र डेटा ख़त्म, ठीक है। अब इसको हम ऑन करेंगे, देखते हैं ऑन करके क्या नाम है इसका, इसने स्क्रीन लॉक हटा लिया या नहीं हटाया, वो मैं देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे रिकवरी है, फैक्टरी रीसेट है, उसके बाद ये है फास्ट बूट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतने पे आप काम कर सकते हो, ठीक है ना, रिकवरी पे भी कर सकते हो, सब पे मेटा पे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखो अगर मैं फ़ोन को कनेक्ट कर लूँगा ये मेटा पे आ जाएगा, ठीक है। मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ से। तो अब हम क्या करते हैं, अगर ये रिसेट हो जाता है, अभी की बात कर रहा हूँ, ये तो मैं कर लूँगा, पर अगर ये रिसेट हो जाता है उसके बाद रही FRP, ठीक है ना। तो FRP पे हम क्या करेंगे, FRP नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मेटा पे, ठीक है ना। तो रिसेट वन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। देखो कभी कभी हमारा फ़ोन एक ही जगह रुका होता है, हम उसको नहीं कर सकते स्विच ऑफ, ठीक है ना। तो मैं USB पहले डाल के रखूँगा, ठीक है, और तीनों बटन दबा के रखूँगा। जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा ना तो मैं खाली ऑन ऑफ स्विच छोड़ दूँगा, दोनों वॉल्यूम दबा के रखूँगा, ठीक है। ये देखो जब ये स्विच ऑफ हो गया, मैंने दोनों वॉल्यूम दबा के रखे हैं, वो हटा दिया मैंने, तो ये कनेक्ट हो गया फोन, ठीक है। ये एक और तरीका है। तो अब यहाँ पे देखता हूँ मैं मेटा पे, तो ये दो दो जगह मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, ठीक है ना। अब एक और जगह मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट पे, अगर ये हो गया ठीक, नहीं हुआ तो यहाँ पे जो मेटा है इसको मैं चेंज कर लूँगा, ठीक है ना। ये इसने कर दिया, 30 सेकंड में इसने कर दिया, ठीक है ना। अभी ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद ट्राई मारते हैं, अगर इसने स्क्रीन लॉक ख़त्म किया होगा। ये एंड्रॉयड 11, जितना जितना वर्जन ऊपर हो रहा है ना उतनी उतनी ये सिक्योरिटी थोड़ी बहुत टाइट करती है, ठीक है, जो भी ब्रांड है। तो पर ये जो बॉक्स होते हैं, टूल होते हैं, ये भी अपडेट देते रहते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा आप जब भी कोई वीडियो अच्छे से देखा करोगे तो मुझे नहीं लगता आप ऐसे जाओगे, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको किसी वीडियो से, ठीक है। कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, जैसे मैं कोई गलती कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा इसने यहाँ पे गलती करी है तो मुझे नहीं करनी, ठीक है ना। तो जो भी कोई इंसान आगे पीछे वीडियो को करता है ना तो समझ लिया कर लो, वो कुछ भी नहीं सीखेगा। हाँ वो इंसान कर सकता है जिसको पता होता है, तो वो बस टाइम पास के लिए वीडियो देखा होता है, ठीक है ना। तो या उसको डिसलाइक करनी होती है या लाइक करनी होता है या कमेंट करना होता है कुछ भी, तो वो वीडियो देखने के लिए नहीं आता। तो जिसको कुछ सीखना होता है, जिसको मतलब पता चलना चाहिए मुझे क्या करना, मुझे यहाँ पे गलती नहीं करनी है, तो वो वीडियो को पहले से लेके एंड तक पक्का देखता है, ठीक है ना। नहीं तो वीडियो को नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से, फॉलो भी नहीं करना चाहिए जब वीडियो नहीं देखते हो, टाइम नहीं होता, ठीक है ना। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है किसी वीडियोज़ की, उसी टाइम सर्च कर लिया कर लो, काम खत्म है ही नहीं। तो लग तो रहा मुझे हो गया, इतना टाइम तो नहीं लगता था ऑन होने में, तो देखते हैं अगर ये ऑन हो गया तो ठीक है, अगर स्क्रीन लॉक ख़त्म हो गया उसके बाद मैं एक ही क्लिक से आपको FRP बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कहाँ पे बता दिया था, अगर हम ब्रांड, कभी कभी क्या होता है कि मॉडल नंबर नहीं होता है उसमें, जैसे वीवो पे जाऊँगा मैं तो कोई मॉडल ऐसा सर्च कर लूँगा जो नया होगा, तो वो अभी होगा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है, वो ऐड नहीं किया होगा अनलॉक टूल वाले या और किसी ने या किसी उसमें। तो हमने सीधा मीडियाटेक पे जाना है, यहाँ पे कोई मॉडल कोई ब्रांड सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने सीधा दिया हुआ, फ्लैशिंग का ऑप्शन भी है, उसके बाद रीसेट का ऑप्शन भी है, उसके बाद बहुत सारा जो MT के यूनिवर्सल है इसमें जो है, इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ इसमें आप डेमो निकाल सकते हो फ़ोन का, ठीक है, उसके बाद BL अनलॉक कर सकते हो, उसके बाद आप ओथ बाईपास कर सकते हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इरेज FRP कर सकते हो, FRP बाईपास फॉर्मेट डाटा भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, इसको स्विच ऑफ कर लूँगा। तो अब मैं देखो
फिर से देखना चाहता हूँ मैं, अगर वहाँ पे नहीं होता तो यहाँ से भी आप कर सकते थे, यहाँ से तो 100% हो जाता है यहाँ से, ठीक है। अब इसको FRP लगी है, FRP यहाँ से करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही क्लिक आपने करना है, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ है हमारा, उसके बाद USB डालनी है, फ़ोन कनेक्ट हो गया हमारा, ये छोड़ देना, बस FRP बाईपास हो गया, ठीक है ना। तो ये था, जब तक फ़ोन ऑन हो जाएगा तब तक मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आपके पास कोई फ़ोन MDM है, सैमसंग फ़ोन, सबसे पहले उसको स्विच ऑफ कर लोगे, उसके बाद इस पे क्लिक कर लोगे, ठीक है। इस पे जब क्लिक कर लोगे, वैल्यूम डाउन दबा के रखोगे, USB इन कर लोगे, तो आपको ऐसा लगेगा फ़ोन का सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, पर वैसा कुछ भी नहीं है। उसको फिर स्विच ऑफ कर लेना, फिर यहाँ पे जाना, यहाँ पे सैमसंग KG पे जब क्लिक कर लोगे, कंप्लीट पे क्लिक कर लोगे, स्विच ऑफ होगा फ़ोन, वैल्यूम डाउन दबा के USB लगाओगे, सैमसंग MD जो MT के फ़ोन है, ठीक है, बहुत सारे MT के फ़ोन है, उनका MDM ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये MT की है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इरेज FRP भी कर सकते हो आप, ठीक है, FRP भी ख़त्म हो जाएगी। तो बाकी जो कॉलकॉम के सैमसंग के फ़ोन हैं, उनको अगर टेस्ट पॉइंट आपके पास है, मिल रहा आपको टेस्ट पॉइंट, तो टेस्ट पॉइंट से आप उनका भी FRP कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो, मतलब अगर UFS वाला है तो उसको, अगर आपने क्या करना है, फ्लैशिंग या कुछ करना है, तो यहाँ पे UFS भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये फ़ोन हम देख लेंगे इसका FRP ख़त्म हुआ या नहीं, सिग्नल लॉक तो इसने हटा दिया था, अब यहाँ पे देखते हैं इसने FRP ख़त्म किया या नहीं किया, ठीक है ना। यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि लास्ट पे ही पता चल जाता है ना, Android 11 है, वो भी चेक करवा लूँगा, वो तो आपने वहाँ से भी देखा होगा, क्योंकि टूल भी दिखाता ना इसका एंड्रॉयड क्या है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेटअप करके ओपन करने की कोशिश करता हूँ मैं। बिल्कुल 100% इसने काम ख़त्म कर लिया, ठीक है ना। तो अब आज मैंने आपको MTK बता दिया, ठीक है। तो वैसे ही हम कॉलकॉम पे जाएंगे, अगर कॉलकॉम MTK एंड्राइड में सारा कुछ आता है, ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको अनलॉक टूल बाई करना चाहिए, मिलता है 3 महीने के लिए भी, 6 महीने के लिए भी, 1 साल के लिए भी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे से ही ले लो, जिससे मर्जी ले लो, ठीक है। और प्लीज़ याद रखा करें, प्लीज़ जो भी टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे काम करते हो ना, तो मुझे बाकियों का नहीं पता, पर मेरे नाम पे बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे एक बार कॉल किया कर ले। अगर मेरे से करवाते हो, मुझे कॉल करें, मेरे नाम का कोई फर्जी अकाउंट होते हैं, तो फिर भी कॉल किया कर लो प्लीज़। अगर मैंने कभी कॉल नहीं उठाई है, मैंने कहा मैं बिज़ी हूँ, तो समझ लेना स्कैम हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो प्लीज़ बच के रहिए, आप बच के रहा करो उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अब इसकी इन्फो दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा मैं अबाउट में, तो ये Vivo Y901 है, Android वर्जन 11 है, ठीक है ना। तो ये है अभी आज की, मतलब इस टॉपिक पे मैंने आपको, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी है तो मुझे उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो यही है, यहाँ पे MTK में यहाँ से फ्लैशिंग कर सकते हो आप, ठीक है। जब फ्लैशिंग पे क्लिक कर लोगे, सेव फॉर्मेट, यहाँ पे भी सेव फॉर्मेट है, उसके बाद ये फ्लैशिंग है, सारा कुछ है, MI अकाउंट, इरेज FRP, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये मीडिया टेक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप Note 8 Pro कर सकते हो, 6A कर सकते हो, जो MT की है, MI9 कर सकते हो, 9A कर सकते हो, ठीक है ना, जो MT की है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ें आप कर सकते हो, बाकी जो कॉलकॉम है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और जल्दी इंशाल्लाह आपको हार्डवेयर वीडियोस अच्छी अच्छी बताया करूँगा मैं, बिल्कुल अच्छे से, प्लीज़ है, थोड़ा बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ जो भी मेरे भाई वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, ओके।